जुल्फिकार साहब खामोश बैठे हुए, उनका टेक ले लेते हैं। जुल्फिकार साहब जी, आपका इस पे क्या टेक है? बेस्ट में बड़ी काफी हम देखे। मैंने कहा मेरी बारी आए तो मैं बात करूं। देखिए, हमें तो एक दूसरे से उलझना नहीं चाहिए, हर कोई अपना पॉइंट पेश करे, दे पॉइंट, दूसरा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। अगर हम इस तरह एक पॉइंट अपना मनवाना शुरू कर दें तो फिर शायद मेरे ख्याल ये प्रोग्राम वो तकरार भी एक प्रोग्राम का हुस्न है। बहरहाल, मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है कि इसको पीपल्स पार्टी भी कोशिश करे कि लचक लाए और पॉलिटिकल उसका हल निकाले। अमेंडमेंट पर तब बात हो सकती है कि, और MQM भी जो है बस जिद ना हो। चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, आपकी बात सही होती है, लेकिन फौरी तौर पर आपको एज अ फर्स्ट स्टेप थोड़ी सी वो भी लचक लाए और आगे चीज़ों को चलाएं। ये दे देंगे, वो वोट दे देंगे, MQM वोट दे देंगे। वो इस वक्त MQM के हाथ में एक बड़ा टूल आ गया है वोट का। अगर वो कहते हैं कि अगर हमने वोट दे दिया शायद इसके बाद फिर शायद ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों, अगर चीज़ के सिंध के बेहतर मुफाद में ये हैं कि दोनों आगे बढ़ें, चीज़ों को साथ लेके चलें और एक दूसरे के साथ तावुन करें, ये उनके लिए भी बेहतर है और पॉलिटिकल माहौल अच्छे बनाने के लिए बेहतर। जी ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।